गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी हैव रीच्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट इन क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन कॉलम 1। In column 2, some uses are given. Match the items in column 1 with those in column 2. ये कह रहा है कि कॉलम 1 में कुछ सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स के नाम दिए गए हैं, वो जिस जिस में यूज़ होते हैं, जो उनके काम हैं, वो कॉलम 2 में दिए गए हैं। अब हमें इन दोनों को मैच करना है। सबसे पहला है गोल्ड। गोल्ड हमें किस काम आता है? थर्मोमीटर के काम आता है? नहीं। इलेक्ट्रिक कवायद से काम आता है? नहीं। रैपिंग फूड? नहीं। ज्वेलरी? यस, गोल्ड जो है ज्वेलरी के काम आता है। यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो मैच हो रहा है वो डी के साथ हो रहा है। फिर आयरन है। आयरन इनमें से किस में काम आता है? थर्मोमीटर? नो। इलेक्ट्रिक वायर? नो। रैपिंग फूड? नो। फ्यूल? नो। ज्वेलरी तो आ गया है। फिर बचता है मशीनरी, यानी कि मशीनरी जो है इसका बेस्ट मैच है, वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं हम आयरन के। और भी सारे यूजेस हैं मशीनरी में, तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है। फिर है एलुमिनियम। एलुमिनियम आपको पता है एक और मेटल है। थर्मामीटर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, बताइए किस में होता है? एलुमिनियम को आपको पता है एलुमिनियम के फॉइल्स होते हैं जो फूड रैप करने के काम आते हैं, तो एलुमिनियम हम फूड रैपिंग में भी आता है। एलुमिनियम जो है उसकी वायर्स भी होती है, बट मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज़ कॉपर है, तो कॉपर जो है हम उसको बेस्ट इलेक्ट्रिक वायर्स उसकी बनती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है कार्बन। कार्बन जो है दैट इज़ द फ्यूल। फिर मेरे पास है कॉपर, उसको हम मेरा बेस्ट मैच है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर। मर्करी है, यह हमें पता है, सबको पता है, ये थर्मोमीटर्स में होता है। मैंने यहाँ पे आंसर करके रखा हुआ है, आप देखिए। गोल्ड, ज्वेलरी, आयरन, मशीनरी, एलुमिनियम, रैपिंग फूड, कार्बन, फ्यूल, कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर, मर्करी, थर्मोमीटर्स, ठीक है, डन, इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। यानी कि जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, एक पार्ट। बी पार्ट में ये पूछता है, जब हम आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स हम कहते हैं कील को, जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका कुछ इक्वेशन के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ, सी यू स्टैंड्स फॉर कॉपर। सी यू जो है केमिकल सिंबल जो है, साइंटिफिक सिंबल आप मान के चलो, सी यू कॉपर का है। सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, एस जो है सल्फर का है, ओ ऑक्सीजन का है, एच हाइड्रोजन का है, ठीक है। जब ये दो एच और एस ओ चार मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो जब हम ये दोनों के साथ आपस में मिक्सअप करेंगे, पहले वाले में तो यही करता है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर प्लेट को, कॉपर प्लेट यानी कि कॉपर होगा उसमें, उन दोनों को मैच किया, तो वहाँ क्या हुआ, जो हमारे पास रिएक्शन हुई, होता क्या है वहाँ पे, ये जो सल्फर है, सल्फेट होता है जो है, ये कॉपर के साथ मिक्सअप हो जाता है। क्या होता है, मिक्सअप होता है, वहाँ से क्या करता है ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, लिबरेट कर देता है, अलग कर देता है, H2 को अलग करता है। सो
कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट, इसके साथ कंप्लीटली डाइल्यूट के डाइल्यूट सल्फरिक एसिड के साथ नहीं करता है। बट होता क्या है, जब ये कंसनट्रेटिक सल्फरिक एसिड होता है इसके ऊपर डालते हैं हम कॉपर प्लेट पे, कॉपर क्या करता है सल्फरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है सल्फरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो Cu+H2SO4 जब हम मिक्सअप करते हैं तो वहाँ पे हमें कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो अब सेकंड केस में हमें कहता है आयरन नेल है, आयरन का जो है Fe सिंबल है, कॉपर सल्फेट हमसे पता है Cu SO4, ठीक है ना, Cu कॉपर, एस सल्फर का है, ओ ऑक्सीजन का है। दोनों को जब हम आपस में जब मिक्सअप करते हैं तो वहाँ पे हमें ये जो कॉपर जो है, ठीक है, ये सेपरेट हो जाता है, सल्फेट जो है वो आयरन के साथ मिक्सअप होता है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर, यानी कि जो आयरन वो इसलिए होता है कि जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, क्या होता है कॉपर से ज़्यादा है, ये क्या कर देता है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो सल्फेट सोल्यूशन के साथ खुद को एडअप कर देता है। तो वहाँ से क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर किसका, कॉपर सल्फेट का फेड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव यू नो कंप्लीटेड टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, टिल देन थैंक यू वेरी मच।